नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। जिला अम्बेडकर नगर के लोहिया भवन में जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा ने पदाधिकारियों का स्वागत किया और साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने पदाधिकारियों से पार्टी हित में अच्छा काम करने और पार्टी को आगे बढ़ाने की बात भी कही। जिनके बिना ये जिला सुना रहता है और जिनके बिना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या एक कार्यक्रम बिना उनके सहयोग से नहीं हो पाता, ऐसे जिले की पिछली भी कमेटी में और लंबे दशक से उस परिवार में कोष का भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं, आज हमारे बीच में है और पिछली भी कमेटी में अध्यक्ष थे, उस कमेटी में भी जिला कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ऐसे में मैं श्रीमती रितु बहन जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और आदरणीय अतिथि से अनुरोध करता हूँ कि पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में निषाद समाज में अपनी बड़ी भूमिका के साथ काम करने वाली, मैं विधानसभा के जिलाओं के उपचुनाव में देख रहा था कि एक एक निषाद बस्ती में लगातार इन संपर्क जब मैं जाता था तो जरूर वो कहते थे इंग्रेस जी आए, यानी समर्पण के साथ काम करने का जो मुझे मिला है उसको पूरा निभाऊंगा। उस कार्यक्रम का निर्माण करने वाले पिछली कमेटी में पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है, ऐसे इंद्रेश निषाद जी का मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करने वाला हूं। धन्यवाद। हमने कुछ पद रेत रखा था और घोषणा भी नहीं किया था, अभी हमने आज सुबह प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व से सहमति लेकर कुछ पदाधिकारियों के लिए हमने वहां से सहमति लेकर मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे साथ कई अभियानों में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे, जैसे हमारे जिला मंत्री आदर चौधरी जी को जिला मंत्री पद पर पुनः मजबूत करता हूँ। अम्बेडकर नगर से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सिद्दीक के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।